राजस्थान के ब्यावर में गैस सिलेंडर फटने से तबाह हुई 3 मंजिला इमारत के मलबे में दूल्हे की मां समेत कई लोग दबे हुए हैं। हालांकि बचाव दल उन्हें निकालने में लगा हुआ है। शादी समारोह से पहले कुमाऊत पंचायत भवन में मायरे की रस्म के दौरान हुए भीषण हादसे ने शादी की खुशियां को मातम में बदल दिया। साथ ही उस मां के सपने और खुशियां भी मलबे में दफन हो गई। शनिवार को बचाव दल व परिजन मलबे को हटाकर दूल्हे हेमंत पटनेचा की मां को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन शाम तक मां का शव नहीं निकाला तो बड़े बुजुर्गों ने हेमंत को तय शादी के फेरे लेने के लिए राजी किया। हेमंत ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब मां के सपने और खुशियों की दुहाई दी तो वे एक बुजुर्ग रिश्तेदार और दो दोस्तों के साथ जोधपुर के बिलाड़ा में रितु को ब्याहने के लिए पहुंच गए। वहां भी खुशियों का माहौल गमशीन सा ही रहा। मात्र 1.5-2 घंटे में हेमंत और रितु की शादी करवाई। इस दौरान हेमंत की रुलाई फूट रही। वे अपनी माँ व दूसरे परिजन को याद करके रोने लगता है। यह देखकर उनकी जीवन संगिनी भी रोने लगती है। खुशी का ये माहौल उस हादसे के कारण मातम में बदल गया। शादी में ना तो बैंड बाजे बजे और ना ही बाराती धराती नाचे। फेरे के दौरान मंगल गान भी महिलाओं ने नहीं गाए। फेरे लेने के बाद हेमंत अपनी पत्नी रितु को लेकर ससुराल आया तो रितु का भाई अपनी बहन को वापस पीहर ले आया। हेमंत फिर हादसा स्थल पर पहुंचा, जहां अभी भी उसकी माँ व दूसरे परिजन व लोग मलबे में दबे हुए हैं। हर कोई इस हादसे को याद करके रोने लगता है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janpahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।